लखनऊ से बड़ी खबर, जहां सीए लागू होने के बाद अलर्ट पर पुलिस, सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी की गई कैंसिल, तो संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। कल जारी हुआ था सीए का नोटिफिकेशन, तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, सीए के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। आपको बता दें, संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है, कोई अप्रिय स्थिति ना बने इसके बाद, इसको लेकर सीए जैसे ही लागू हुआ उसके बाद पुलिस बल अलर्ट पर है। तो तस्वीरों में आप देख सकते किस तरीके से सुरक्षा बल गश्त करता हुआ नजर आया सड़क पर, और आला अधिकारियों के साथ में यह फ्लैग मार्च हुआ है ताकि जो अराजक तत्व है उनमें भय का माहौल बना रहे। और ये शाहीन बाग की तस्वीरें, जहां पर जब सीएए को लेकर प्रदर्शन हुआ था तो लंबे वक्त तक रोड जाम की स्थिति देखने को मिली थी, जिसके बाद किस तरीके से वहां पर अप्रिय स्थिति न बने इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, जो कि तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है, खास करके संवेदनशील और अति संवेदनशील जनपदों में पुलिस अधिकारियों को पैनी निगाह रखने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय से और डीजीपी कार्यालय से लगातार उन जनपदों पर निगाह बनाई गई है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि पुलिसकर्मी उन इलाकों को चिन्हित करें जहां पिछली बार दंगे हुए थे, और जो दंगा कराने वाले लोग थे वो कौन थे, तो उन पर भी पुलिस ने पैनी निगाह रखी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर लगातार पुलिस रोड मार्च कर रही है, पुलिस गश्त कर रही है ताकि किसी भी स्थिति में माहौल खराब ना हो। पुलिस की तरफ से इस तरह बात की अपील भी की जा रही है कि लोग किसी तरह के बहकावे में ना आए। सीए कानून दरअसल नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। हालांकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता के साथ लिया है, और उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में सुबह और शाम के वक्त खास करके पैदल पेट्रोलिंग की जा रही है और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। लखनऊ से वरुण सफर हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है और हरियाणा में नई सरकार का